हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप है। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द क्लास 8, चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, किसका बना होता है ना, और कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं, वो सब बात करने वाले हम लोग इस चैप्टर में। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया, जो हमने बनाया मतलब मैनमेड है ना, आर्टिफिशियल। देखिएगा, मैनमेड है, पॉलीमर से बना होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है। इसकी एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोमर बोलते हैं। और कौन कौन से फाइबर होते हैं, आइए देख लेते हैं वन बाय वन। हमारे पास जो फर्स्ट दिया हुआ है कौन सा, रेयन दिया हुआ है। इसका अदर नेम क्या दिया है, आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। बिल्कुल सिल्क के जैसा दिखता है और उतना ही ड्यूरेबल होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल सिल्क। अच्छा क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब क्या, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, वुड पल्प से इसको आइसोलेट करते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। ह्यूमन इसको प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग केमिकल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये कैसा है हमारा, आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, अगर रेयान में हमने कॉटन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेडशीट फॉर्म करते हैं रेयान प्लस कॉटन बना के। और रेयान और प्लस वूल अगर ऐड करेंगे तो क्या बना सकते हैं हम लोग, कारपेट्स बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कारपेट्स और बेडशीट कैसे बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ नायलॉन की बात करेंगे। नायलॉन किससे बनता है, COL, कोल, कोयला, वाटर, एयर। ध्यान रखिएगा इसके कंस्टिट्यूएंट क्या है, कोल, एयर, वाटर। कोयला है, वाटर है, एयर है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइंटिफिक फैक्ट है कि जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है, नायलॉन। क्योंकि रेयन तो आपका कैसा था, नेचुरल सोर्स था, ये कैसा बनता है, आर्टिफिशियली बनता है। फिर बोला गया हमारे पास यूज की बात करें, सॉक्स है, रोप्स है, टेंट है, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स है ना, इनका यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, नायलॉन को, नायलॉन का यूज करते हैं, ये सब बनता है इनसे, सॉक्स, रोब, टेंट है ना, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्क करना है, आपको ध्यान के रखना है, पैराशूट फॉर्म करने में और रोब फॉर्म करने में इसका यूज होता है, जो कि ज्यादा स्ट्रांग है किससे, स्टील वायर से, मतलब स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है कौन, नायलॉन फाइबर्स। ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइट वेट होता है, इजिली कैरी कर सकते हैं, इजिली हैंडल कर सकते हैं इसको, राइट। आइएगा हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास दिया है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर की बात कर रहे हैं, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजी टू वॉश, आप इजिली वॉश कर सकते हो, उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ेंगे इजिली, लाइक कॉटन जो क्लॉथ होते हैं वो रिंकल्स बढ़ जाते हैं उसको, है ना, सिकुड़न आ जाती है, श्रिंक कर जाते हैं वो, बट जो आपके पॉलिएस्टर हैं वो श्रिंक नहीं करते हैं। एक वर्ड हमारे पास टेरिलिन एग्जाम्पल है इसका, ये पॉपुलर पॉलिएस्टर है सबसे ज्यादा, कौन, टेरिलीन। पेट का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फुल फॉर्म पेट का है, इसका यूज किसके लिए, बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर फॉर्म करने के लिए करते हैं। क्लियर, बोला गया पॉलिएस्टर और कॉटन ऐड करेंगे तो पॉलीकॉट बनेगा, पॉलिएस्टर और वूल ऐड करेंगे, वूल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, पॉली वूल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्राइलिक। पॉलिएस्टर हो गया, एक्राइलिक से क्या फॉर्म करते हैं, जितने भी आपके विंटर क्लॉथ हैं, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट एक्सेट्रा, कौन कौन, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट एक्सेट्रा, ये सारा कुछ किससे बनता है, एक्राइलिक आपका है सब्सटेंस। दिक्कत केवल यह है कि जब कभी हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसे आपके जो क्लॉथ हैं इनको हम किचन में यूज नहीं करते, हमें बचना होता है, किचन में हीट ज़्यादा होती है कई बार, तो वहाँ पर हमें कॉटन यूज करना है, है ना। डिसएडवांटेज है इसका कि ये मेल्ट करता है ऑन हीटिंग, एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्गर होता है, इजिली अवेलेबल होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है, इजी टू मेंटेन होता है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, क्या करेक्टर है, ड्राई या क्विकली, आप इसको धुल के सुखा दो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा, ड्यूरेबल है बहुत लंबे समय तक चलेगा, लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर्स, रेडिली अवेलेबल आपको फ्रिक्वेंटली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, इजी टू मेंटेन, ठीक है, इसका केयर करना, इसको
देख रेख करना, मेंटेन करने में इजी रहता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? आपके सिंथेटिक फाइबर की हैं जो आपने अभी पढ़े, रेयान, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, है ना, ये सारे चलेगा। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक हमारे पास लीनियर है, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, फोर्थ एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। आप देखेंगे सारी की सारी मोनोमर यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन अ लीनियर फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर प्लास्टिक। एक होता है क्रॉस लिंक्ड, मतलब कैसे, आप देखिए ये ऐसे भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ा है, फिर इस तरीके से क्रॉसली अरेंज होते हैं बहुत सारे हमारे क्या जो मोनोमर्स यूनिट हैं, इस तरीके अरेंज होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं, आपका प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉस लिंक है, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। पॉलीथीन की बात करें, पॉलीएथीन की बात करें, पॉलीथीन कलेक्ट्रियल बोलते हैं, इससे क्या फॉर्म होता है आपका, पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, पॉलीएथीन एग्जाम्पल किसका है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, टू टाइप के प्लास्टिक हमारे पास है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है इसको आप गर्म करके इसका शेप चेंज कर सकते हो, उसको मोल्ड कर सकते हो। इसमें कौन आता है, पॉलीथीन आते हैं, पीवीसी आता है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। तो पॉलीथीन और पीवीसी की बात करें तो इसको गर्म करके आप मोल्ड कर सकते हो, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको आप गर्म करके मोल्ड नहीं कर सकते। बोला गया एक व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार इसको फिक्स कर दिया, शेप दे दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, हीट करके इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते। लाइक आपने देखा हुआ है क्या आपके घर में, किचन में जो किचन वेयर्स है उनके हैंडल्स, वहां पर जो लगा हुआ, क्या वो गर्म नहीं होता है, वो मेल्ट नहीं होता है तो प्लास्टिक ही, बट दैट प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट, हमारे कुकर में, हमारे जो किचन वेयर है उसके जो हैंडल में प्लास्टिक लगा हुआ है, दैट आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, है ना। बेकेलाइट मेलामाइन एग्जाम्पल किसके हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं, जो यूज करते हैं किसके लिए, फ्लोर टाइल्स को बनाने में यूज करते हैं और किचन वेयर में, क्लियर। ये तो बात हो गई टाइप ऑफ प्लास्टिक की। प्लास्टिक के करेक्टर क्या है, नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए एसिड है, बेस है ना, इनसे रिएक्ट नहीं करेगा। लाइट स्ट्रांग ड्यूरेबल, लाइट इन वेट स्ट्रांग मजबूत, ड्यूरेबल बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, लाइट स्ट्रांग ड्यूरेबल, ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्लास्टिक की है। पुअर कंडक्टर, हीट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो प्लास्टिक कैसे हैं, बैड कंडक्टर है ना, हीट के ये बैड कंडक्टर है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के एक रॉड लेंगे आप इसको गर्म करेंगे तो ये हीट यहां पर आ जाएगी, नहीं आएगी, हीट कंडक्टर नहीं है, ठीक है। वही आयरन की रॉड लेंगे आप और आप उसका एक एंड गर्म करेंगे तो दूसरे एंड में क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, राइट, रखेगा। तो पुअर कंडक्टर है आपका प्लास्टिक, ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं, क्यों, आपके घर में जो किचन वेयर है वहां पर देखते हैं टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, बिकॉज ऑयल और वाटर उस पर स्टिक ना करे, ये ध्यान रखिएगा। टेफ्लॉन कोटिंग क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर और जो ऑयल है इसकी जो स्टिकनेस है किस पे, आपके किचन वेयर्स पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास टू टाइप के वेस्ट हैं, एक हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, एक हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाए, बायो लिविंग के द्वारा, लिविंग कौन, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, वो कौन सा वेस्ट है आपका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आपके जो बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें कौन आ जाता है आपका, ये इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो प्लास्टिक है ये इजिली डाइजेस्ट नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है बैक्टीरिया से, ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपका एक केमिकल है DDT, ये भी आता है, यहाँ पर आप वुड को रख सकते हैं, है ना, ये आपका पेपर रख सकते हैं, ये सब कैसे हैं आपके हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलिएगा देखिएगा, हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनकी बात करेंगे। देखिएगा हमारे पास दिया हुआ है पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स
लेफ्ट ओवर फूड स्टफ जो बचा हुआ हमारा फूड है ये किस कैटेगरी में आएगा। तो 1 to 2 वीक लगेंगे इसको डाइजेस्ट होने में, डिजनरेट होने में। अगर हो रहा है तो ये कौन है, बायोडिग्रेडेबल है। सेकेंड पेपर है, क्लॉथ है, वुड है ना, वुलन क्लॉथ हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके बायोडिग्रेडेबल, कैसे हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन टाइम अलग अलग है, 10 to 30 days लगेंगे पेपर को रिकम्पोज होने में, क्लॉथ है 2 to 5 months लगेंगे, वुड है लकड़ी है तो 10 to 15 years लग जाएंगे, वुलन क्लॉथ को अराउंड 1 year लग जाएगा, टिन है, एल्यूमिनियम है, अदर मेटल है, इनको डिकम्पोज होने में 100 to 500 years लग जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग की बात कर रहे हैं, इनको बहुत साल लग जाते हैं, मतलब मोर देन 500 years। और ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। चलेगा, ये हमारे पास है पॉल्यूशन से बचने का तरीका। प्लास्टिक हमारा जो एक मेजर इशू है पॉल्यूशन का, जो वेस्ट का, इसको 5R प्रिंसिपल से हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज कैसे, आप मार्केट अपना अपने घर में कपड़े का बैग लेके जाइए और मार्केट से पॉलीथीन मत लीजिए। रिकवर कर सकते हैं पॉलीथीन को, आप रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक को, रिसाइकल करके आप अदर आइटम्स बना सकते हैं प्लास्टिक के, रीयूज कर सकते हैं। कोई बकेट है वो टूट गई है तो आप बकेट को आप गमला बना सकते हैं, लाइक ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं। आप कम से कम यूज करें, मिनिमम यूज करें प्लास्टिक, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो क्या करेंगी हमें, ये सारे के सारे क्या करेंगे हमें, ये बताएंगे कि हमें कैसे इनसे बचना है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कम करना, ये 5R प्रिंसिपल क्या करेगा, जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अनअवॉइडेबल है बिकॉज आप देखिएगा मार्केट में सब कुछ प्लास्टिक में अवेलेबल है, लेकिन जो हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर फोकस करें, क्लियर। चलिए, होप तो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 8th के चैप्टर 4 में। थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।